हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISFS। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ स्ट्रेस, अगर आप लोगों को होता है। देखिए, स्ट्रेस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी बीमारी के लिए, क्योंकि स्ट्रेस होने से ही BP हाई होता है, स्ट्रेस होने से ही शुगर की प्रॉब्लम होती है। मतलब कह सकते हैं कि जिस तरह से पेट की गड़बड़ी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं शरीर में, उसी तरह से स्ट्रेस होने से भी पेट पर असर पड़ता है और पेट खराब होता है, तब सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अब आपको करना क्या है स्ट्रेस को खत्म करने के लिए, वो आज मैं आपको बताती हूँ। आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने मेरे पास कमेंट किया कि हम जब घर पर अपना BP चेक करते हैं तो नॉर्मल आता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तब हाई आता है। देखिए, अगर आप घर पर चेक करते हैं और आपका BP नॉर्मल आता है, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, यानी कि जो आपकी डेली एक्टिविटी है, जो आप रोज के काम है वो बढ़िया कर रहे हैं, आपके शरीर में सुफुर्ती है, आप अपने सारे काम अच्छे से कर रहे हैं, तो आप मेजरमेंट पे मत जाइए, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है और आप परेशान हैं, तब आप क्या कर सकते हैं? मैं स्ट्रेस को खत्म करने के लिए आपको एक योग बताती हूँ। और योग क्या है? वो भ्रामरी आसन। ठीक है, और भ्रामरी आसन करना कैसे है ये आपको, दोनों ये देखिए, ऐसे ढक्कन बना लेना है अपनी उंगलियों से और आंखों को ऐसे बंद कर लेना है और उसको आंखों के ऊपर ये रख लेना है, और फिर अंदर लंबी सांस खींचनी है, और फिर उसके बाद ओम बोलना है, और ओम धीरे बोलना है, और लंबा खींचना है। एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि इस तरह से भ्रामरी आसन करते हैं। फिर मैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी और होम रेमेडी बताऊंगी जिसने स्ट्रेस को खत्म कर पाएंगे। तो देखिए, भ्रामरी आसन कैसे करते हैं वो देखिए। इस तरह से आप भ्रामरी आसन कर सकते हैं। अब स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती। देखिए, स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती, इसलिए आप लोग मोबाइल रातों तक देखते रहते हैं। देखिए, स्ट्रेस की वजह से नींद ना आए तो मोबाइल का यूज ना करें, उसकी जगह मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये जो आपका अंगूठा है, देखिए मैं आपको पॉइंट्स लगा करके दिखा देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको सीड थेरेपी भी बताऊंगी, और ऐसा आपको दोनों हाथों में करना है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे आपको निशान लगाने हैं बिल्कुल बीच में। कैसे लगाएंगे कि इस अंगूठे का सेंटर ले लेंगे, और जो ये आपकी, देखिए ये जो आपकी लाइन बनती है, यहां तक ये तीन निशान लगाने हैं। ठीक है, और बिल्कुल सेंटर में। ठीक, और दो निशान कहाँ लगाने हैं? बिल्कुल जो आपकी ये नेल्स हैं, इसके बिल्कुल कॉर्नर पर। अब आपको क्या करना है, आपको सीड थेरेपी भी बता देती हूँ कि आपको सीड थेरेपी कैसे करनी है। मेरे पास ये गोलियां हैं, तो मैं ये गोलियां लगा रही हूँ, टेबलेट्स हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप मेथी दाना ले सकते हैं, चने का दाना ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी दाल ले सकते हैं। देखिए, ये लगा ली मैंने। ठीक, अब मैं क्या करूंगी इसको, ऐसे देखिए ऐसे, क्योंकि ये जो दो मैंने आपको निशान लगाए, इन दोनों निशानों पर ये आनी चाहिए। तो अब आप इनको ऐसे करके और इस तरह से, ये देखिए लगा दी। अब जब तक आपको दोनों हाथों में करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जब तक आपको नींद नहीं आती है, आप रिलैक्स होके 5 मिनट पहले, सोने से पहले 5 मिनट, सोने से 5 मिनट पहले, जैसे आप बिस्तर पर लेट गए, तो बिस्तर पर लेटने से जस्ट पहले आपको 5 मिनट के लिए भ्रामरी आसन करना है। ठीक है, फिर जब आप बिस्तर पर लेट जाते हैं ना, अंगूठों में इस तरह से आप सीड थेरेपी कर लें, और आंखें बंद करके इनको ऐसे 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 दबाते रहें दोनों हाथों में इस तरह से। तो क्या होगा कि आपको नींद कब कब में आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। अब आपको भ्रामरी आसन से भी पहले आपको क्या करना है वो सुनिए।
आधा ग्लास दूध लेना है, आधा ग्लास पानी लेना है। दूध थोड़ा सा पतला ही लीजिएगा क्योंकि ज्यादा गाढ़ा दूध हजम नहीं होता है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, दूध में 1/4 चम्मच सौंफ डाल देंगे। वो सौंफ चाहे पिसी हुई हो और चाहे साबुत हो, पिसी हुई हो तो ज्यादा अच्छी होगी। तो सौंफ डाल लीजिएगा और फिर उसके बाद उसे एक दो उबाल लगाइएगा और उसे पी लीजिए। सौंफ को छानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप खा सकते हैं सौंफ को। जिनसे नहीं चबाई जाती है, अगर आप सटक सकते हो उसे तो छान कर जो सौंफ है उसे सटक लीजिए। नहीं सटकी जाती है, नहीं खाई जाती है, तो कोई बात नहीं, आप दूध भी पी सकते हैं। तो पहले दूध पीना है, फिर उसके बाद भ्रामरी आसन करना है और फिर उसके बाद ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाने हैं। तो आपको बिल्कुल नींद आ जाएगी, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं हूँ, आप मुझे कभी भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और आपको इससे राहत मिली या नहीं मिली। मिलेगी, 100% मिलेगी, क्योंकि ये सारी चीजें जो भी मैं आपको बताती हूँ वो पूरी तरह से टेस्टेड होती हैं। और मैं कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं बताती हूँ जो कि आपको नुकसान दे। तो इसलिए बिना बेफिक्र होकर के जो बताती हूँ वो कर लीजिएगा, ठीक है? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।